मुलाकात हुई, क्या आपका सारा एक शांति का एहसास हुआ कि बहुत लंबी रात के बाद फिर से सुबह हुई है। हम सबको, उसके संजू के सारे दोस्तों का आज का बहुत बहुत इंतज़ार था, और मुझे खुशी है कि वो अपना सर उठा के वापस आया है, और मुझे यकीन है कि सारा मुल्क उसे बिल्कुल प्यार से और इत्मीनान से गले लगाएगा। एनी चेंजेस जो आप देख रहे हैं उनमें? नहीं, वही उसका एक हंसी मजाक का जो एक हमेशा रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज वेरी सपोर्टिव, वेरी लविंग, उसकी जो फितरत है वो इंसान की फितरत तो कोई बदल नहीं सकता। आई एम हैप्पी दैट इस तजुर्बे से गुजरने के बाद भी वो उतना ही हंसमुख है, उतना ही प्यार जताता है दोस्तों के साथ। वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी पॉजिटिव। न्यू हेयर स्टाइल ना? हाँ, वो तो मेरे ख्याल से जहाँ तक स्टाइल का सवाल है, संजय दत्त हैज़ बिन अ पायनियर ऑफ चेंजेस। चाहे पहले उन्होंने लंबे बाल किए थे, फिर काफ़ी अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, और ये एक ट्रेंड सेटर रहे हैं हर दौर के लिए, चाहे कपड़े हों, चाहे चलने का अंदाज़ हो, चाहे बाल काटने का अंदाज़ हो, चाहे कपड़ों का अंदाज़ हो, हमेशा संजय दत्त को ही फॉलो किया है इंडस्ट्री में। कुछ एनी सेलिब्रेशंस आप प्लान किया, कुछ ऐसा पता चला आपको? नहीं, मैं बहुत छोटी मीटिंग हुई, क्योंकि अभी तो अभी आए हैं, अभी फुर्सत से होगा जो भी होना है। इस वक्त तो यही है कि मेरे ख्याल से एक सुकून महसूस हो रहा है सबको, और उस सुकून में ही बैठे हैं सब। हम तो मिल नहीं पाए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, हमने सुना कि कुछ बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है पनवेल में, कुछ नहीं ऐसा मुझे तो कोई पता नहीं है, और होगा भी तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर के कोई लौटा है, तो जाहिर है कि सब खुशियाँ जताएंगे, बट इस वक्त तो बहुत ही शांति का माहौल है, बहुत ही पीसफुल हैं सब लोग, और प्यार मोहब्बत से बैठे हैं।